नमस्ते विवेकानंद परिवार के सभी सदस्यों को नमस्ते। आज की प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में आप सभी का स्वागत है। आज 24 जुलाई 2020 दिन शुक्रवार। आज के पंचांग पर यदि दृष्टि डालें तो आज श्रावण मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। आज का नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी है। आज वर्यान योग है। सूर्य दक्षिणायन है, उत्तर गोल स्थित है, वर्षा ऋतु आरंभ हो चुकी है। सौर मास प्रविष्टि की बात किए जाए तो आज सावन मास के नवमे प्रविष्टि हैं। आज का राहु काल दिन में 10:30 से 12 बजे तक रहेगा। पंचांग की जानकारी के बाद आज हमारे साथ ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी के लिए होंगे पीयूष गिरी, जो कि 7वीं अ के छात्र हैं। विद्यालय द्वारा कक्षा प्रारंभ होने से पहले एक वैदिक मंत्र का उच्चारण किया जाता है, जो है सहना ववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे, जिसका अर्थ है कि हम गुरु और शिष्य साथ साथ रहें, साथ साथ अपने शरीर को पोषित करें, हम अपने तेज की रक्षा करें, हमारा पड़ा हुआ तेज से युक्त हो और हम आपस में द्वेष न करें। तो इसी श्लोक का केवल उच्चारण ही नहीं किया जाता, विद्यालय में इसका क्रियान्वयन भी किया जाता है। अध्यापक और छात्र साथ साथ प्रगति कर रहे हैं। अभी तक आप अध्यापकों के मुख से ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी सुन रहे थे, तो आज से हमारे छात्र भी अध्यापकों के साथ साथ आपको ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी देंगे। और यहाँ तक कि हमारे अभिभावक भी किसी से पीछे नहीं है, वे भी आपको ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी और जो हम पंचतंत्र का प्रेरणापद प्रसंग सुनाते हैं वह भी सभी मिलकर करेंगे, क्योंकि हमने जैसा कि पहले बताया कि हम साथ साथ चलने में विश्वास रखते हैं। तो इसी के साथ ही हमारे साथ होंगे पीयूष गिरी, जो कि हमें ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी देंगे। पीयूष गिरी 7वीं अ के छात्र हैं। इसके बाद हम आज के जन्मदिवस वाले छात्रों को जन्मदिवस की शुभकामनाएं देंगे। अब समय हो रहा है आज की प्रातःकालीन प्रार्थना सभा का, तो आप सभी से निवेदन है कि हम प्रार्थना प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप सभी हाथ जोड़ लीजिए। All classes, be ready for Gayatri Mantra. Om Bhurbhuvah Svaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayam. Om Bhurbhuvah Svaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na All classes, be ready for prayer. Yeah.
National Anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्रविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्सल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। नमस्ते, एक बार फिर से पुनः आज की प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में आप सभी का स्वागत है। प्रार्थना करने के बाद हमारा मन शांत हो जाता है तथा वह शिक्षा ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि हमारे मन में सदैव कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं और उन्हीं विचारों के साथ यदि हम अपनी अध्ययन की कक्षा में जाते हैं तो शरीर तो हमारा कक्षा में चला जाता है किंतु मन में वही विचार चलते रहते हैं। यदि हम प्रार्थना करने के बाद अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं तो हम बहुत अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं। तो इसलिए प्रतिदिन आपसे निवेदन किया जाता है कि आप प्रातःकालीन प्रार्थना अवश्य करें। प्रातःकालीन प्रार्थना के बाद अब समय है आज की ऐतिहासिक जानकारी को जानने का। इसके लिए हमारे साथ हैं पीयूष गिरी, जो कि सातवीं अ के छात्र हैं और वह हमें आज की ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी देंगे और उन्हीं घटनाओं से संबंधित हमसे एक प्रश्न भी पूछेंगे। तो
पीयूष गिरी नमस्ते, आज की ऐतिहासिक घटनाएं प्रारंभ कीजिए। नमस्ते रिस्पेक्टिव प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल मैम, डियर पेरेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई टेल यू सम हिस्टोरिकल मूवमेंट्स दैट हेल्ड ऑन 24 जुलाई। जुलाई 24 इज सेलिब्रेटेड एज द एनुअल इनकम टैक्स डे। ऑन जुलाई 24, 2010 द डिपार्टमेंट वॉज होल्ड अ फंक्शन इन द नेशनल कैपिटल विच वॉज इनॉग्रेटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी। On 24 July 1935, first grating telegram was sent in Britain, and on 1992, Shankar Dayal Sharma was elected as 9th Indian president, and the famous actor Manoj Kumar was also born on this day. He is a very successful actor, and many films are made by him like Jai Hind, Deshvashi, Santosh, etc. So the question for the day is, what is the first movie of Manoj Kumar? धन्यवाद पीयूष, और आपके प्रश्न को एक बार फिर से दोहरा देता हूं। प्रसिद्ध अभिनेता मनोज कुमार की पहली फिल्म का नाम क्या था? मनोज कुमार, जिनका पहले का नाम हरि किशन गिरी गोस्वामी था। मनोज कुमार शहीद आजम भगत सिंह से बेहद प्रभावित थे। उन्होंने शहीद जैसी देशभक्ति की फिल्मों में अभिनय किया और वह कई अभिनेताओं की प्रेरणा बने। तो आप प्रश्न के उत्तर के बारे में सोचिए, तब तक हम आपके साथ जरूरी सूचना साझा कर लेते हैं। विद्यालय में कक्षा 11वीं की एडमिशन प्रारंभ हो चुकी है। एडमिशन के लिए सीमित सीट्स उपलब्ध हैं। विद्यालय द्वारा 85% या अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में उनकी ट्यूशन फीस का 50% भाग दिया जाता है। ऐसे ही विद्यालय द्वारा 90% या अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को उनकी ट्यूशन फीस का 100% भाग छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाता है। आज के लॉकडाउन के समय में जहां एक और विद्यालय ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करवाने में भी अपने छात्रों को असमर्थ हो रहे हैं, वहीं विद्यालय सफलतापूर्वक प्रातःकालीन कक्षाओं के साथ साथ सायंकालीन डांस, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन और योग की कक्षाओं का भी सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। विद्यालय एकमात्र स्कूल है जो पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ शारीरिक एवं मानसिक विकास का भी ध्यान रख रहा है। तो आइए एक बार फिर से चलते हैं पीयूष गिरी के पास, वह हमें बताएंगे कि जो उन्होंने प्रश्न पूछा था उसका सही उत्तर क्या है। तो पीयूष बताइए इसका सही उत्तर क्या है। द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज कांच की गुड़िया। मनोज कुमार वॉज वेरी फेमस इन हिज पेट्रियोटिक रोल्स। His last movie was मैदान-ए-जंग। धन्यवाद, आपकी इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में इतना ही। कल फिर से नाग पंचमी के अवसर पर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते और आप सभी को नाग पंचमी की अग्रिम शुभकामनाएं। नमस्ते।